भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के चलन से बाहर हुए नोटों पर बड़ी जानकारी दी है। 2000 रुपए के नोट 8 महीने पहले बंद करने के बाद अभी भी 100% नोटों की वापसी संभव नहीं हो सकी है और अभी भी लोगों के पास लगभग 9,330 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट पड़े हैं। ऐसे में कुल 2000 रुपए के नोटों में से RBI को कुल 97.38% नोट वापस मिले हैं। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों पर बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें चलन से बाहर कर दिया था। उस समय बाजार में कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के 2000 रुपए के नोट मौजूद थे, जो 29 दिसंबर 2023 तक घटकर केवल 9,330 करोड़ रुपए रह गए। ऐसे में दिसंबर के आखिरी तक कुल 2.62% ऐसे गुलाबी नोट हैं जो अभी सर्कुलेशन में हैं। यह आंकड़े RBI द्वारा जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 8 अक्टूबर 2023 तक 2000 के नोटों को बैंकों और पोस्ट ऑफिस में बदलने की सुविधा दी थी। इसके बाद भी अगर आप नोट बदलने में विफल हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रिजर्व बैंक के 19 ऑफिस में जाकर सर्कुलेशन से बाहर हुए 2000 रुपए के नोटों को बदल सकते हैं। जिन RBI ऑफिस में नोटों को बदलने की सुविधा मिल रही है वह है नई दिल्ली, पटना, लखनऊ, मुंबई, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, त्रिवंतपुरम और नागपुर। इसके अलावा आप अपने घर के किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट के जरिए भी नोट बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद कर दिया था। इन नोटों को नवंबर 2016 में तब पेश किया गया था जब सरकार ने तत्कालीन 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। इसके बाद RBI ने वित्त वर्ष 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी थी।